मिस्टर प्रकाश अंदर आइए। मिस्टर उत्तम अंदर आइए। मैडम सर। यस कम इन, प्लीज सिट डाउन। सर माय डॉक्यूमेंट्स। मैट्रिक 92%, गुड। इंटर 94, वेरी गुड। ग्रेजुएशन 96%, वेरी वेरी गुड। पीजी 91%, एक्सलेंट। अरे बाबू ये सब तो फॉर्मेलिटी है, अब थोड़ा काम के बाद कर लिया जाए। मतलब सर हम समझे नहीं। अरे बाबू इसमें समझने वाली बात क्या है, इस जॉब के लिए शर्मा जी का कॉल आया था, वो 4 लाख तक देने को तैयार थे, वर्मा जी तो 5 लाख देने को तैयार थे, लेकिन तुम्हारा सारा चीज़ सही होने के कारण ये जॉब मैं तुम्हें सिर्फ 3 लाख में दे दूंगा। सर 3 लाख? 3 लाख रुपये कहाँ पाएंगे सर, मेरी माँ तो आंगनवाड़ी में काम करती है और उनका तनख्वाह मात्र सिर्फ 3000 रुपया है, और सर बड़ी मुश्किल से हम लोग का पढ़ाई लिखाई कम्प्लीट हुआ है, और इसी उम्मीद में रहे हैं कि जॉब वूब हो तो कुछ अच्छा से घर परिवार चले, लेकिन सर आप अभी 3 लाख रुपया मांग रहे हैं सर, कहाँ से दे पाएंगे सर? इसका मतलब पैसा नहीं दे पाओगे? नहीं सर। तो यहाँ कोई खैरात बंट रहा है क्या? इसका मतलब सर यहाँ पर मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। यहाँ तो क्या तुम्हें नौकरी कहीं भी नहीं मिलेगी। हाँ सर सही में, आप जैसे भ्रष्टाचार लोग इस देश में रहेंगे ना, तब तक मुझे तो क्या किसी भी बेरोजगार को नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन याद रखिए सर, जिस दिन हम बेरोजगार युवा एक संगठन में आ गए ना, उस दिन आप जैसे ऑफिसर को ना रोड पे घसीट घसीट कर मारेंगे। अरे तुमको जहां जाना है जाओ, जो खाना उठा लो। अरे गोलू बोलो बाहर निकल फेंको इस कचरे को। याद रखिए सर, याद रखिए जिस दिन बहुत मारेंगे जिस दिन। अरे जा बहुत देर करी जैसे। ए भाई कहाँ जा रहे हो? अंदर कहाँ जा रहा है? अंदर जाना, बॉस से मिलना है। उधर नहीं देख रहा, लाइन पे लगा हुआ है। अरे मैं बहुत जरूरी काम है, मिल लेना। लाइन पे लगो पहले। अरे तुम लोग, अरे क्या कर रहा है यार, लो तुम लोग रखो, एंजॉय करो ठीक है। गुड बॉय। यस कम इन प्लीज हैव अ सीट। वेयर इज योर डॉक्यूमेंट्स? मैट्रिक 35%, इंटर 42, अदर कोई क्वालिफिकेशन आपके पास है ही नहीं। इस डिग्री के आधार पर तुम्हें चपरासी की भी नौकरी नहीं मिलेगी, फिर क्या समझकर तुम यहाँ आए हो? सर डिग्री मेरे छोड़िए, आपको चाहिए कितना बोलिए। इस नौकरी के लिए लोग लाखों रुपए देने को तैयार है, तुम कितना दे पाओगे? सर आपको चाहिए कितना? पूरे 5 लाख दे पाओगे? 5 लाख कैश चाहिए चेक चाहिए? काम करो,
चेक में ही दे दो। सर मैं अपना नौकरी पक्का समझू? हाँ, पक्का समझो, तुम एक तरह से ज्वाइनिंग कर सकते हो। ठीक। अरे बैठो बैठो बैठो, जूस वगैरह पी के जाना। अरे मोलो, जूस लेके आओ तो। सर नहीं नहीं अरे भाई, तुम थे कहाँ इतने दिन? इसी कारण से हमारा देश आज विकास नहीं कर पाया। ठीक है सर, आते हैं। हाँ ठीक है ठीक। अरे बदतमीज, तुम्हें अंदर आने का तरीका मालूम नहीं है क्या? तुम जानते नहीं भाई हम कौन है? अरे तुम हो कौन? कौन हो तुम? प्रधानमंत्री बेटे हो, राष्ट्रपति के बेटे हो? तुम नहीं जानते हम कौन है? आलू यादव के भतीजे। आलू यादव के भतीजे। तुम कैसे मान ले कि तुम आलू यादव के भतीजे हो? अभी रुको, बताते हैं तुमको अभी। हेलो, हाँ चाचा, किस कुत्ते को बिठा दिए हैं ऑफिस में आप? लो अपना बाप से बात करो। लो हेलो। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, सर आपका भतीजा है सर, मेरे को पता नहीं था सर पहले। हाँ सर, हाँ सर, सारा 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 प्रोसेस हो जाएगा सर, सारा प्रोसेस हो जाएगा। हाँ सर, हाँ सर, नहीं सर, सर मेरी नौकरी पर ये नहीं कीजिए सर, मैं गरीब का ये हो जाएगा सर, प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज। हाँ सर, मैं सारा प्रोसेस कर दूंगा सर आपका भतीजा का। ठीक है सर, ठीक है सर, ये जगह उसी को मिलेगा सर। ठीक है सर, ठीक ठीक। अरे सर, आपको पहले बताना चाहिए था ना, आप आलू यादव के बेटे हैं। तब से हम क्या बता रहे थे? अच्छा ठीक है ठीक है, बैठिए सर, बैठिए बैठिए। आपके लिए क्या मंगाए सर, आपके लिए क्या मंगाए सर, बताइए सर। ठंडा मंगाए? ठंडा नहीं भाई, बियर मंगा, बियर। अरे मोलू। यस सर। बियर लेके आना तो। ठीक है। और सुनो, हम काम पर आए चाहे ना आए, मेरा पेमेंट समय पर पहुंच जाना चाहिए मेरे घर में, समझा क्या? समय पर सर? ठीक है सर, ओके सर, ओके सर, हो जाएगा सर, पहुंच जाएगा सर, पहुंच जाएगा सर। बोलो। यस सर। अरे यार, तुम कैसे कैसे आदमियों को अंदर भेज देते हो यार, पता था तुम्हें वो कौन था? कौन था सर? वो आलू यादव का भतीजा था। आलू यादव का भतीजा था? हाँ, आज मेरी नौकरी जाते जाते रह गई, मेरे साथ साथ तुम्हारी नौकरी भी बच गई यार। हाय राम। जिंदाबाद।
घुस लिया तो यही हाल होगा उसका। इन लोगों ने मुझे बहुत मारा भाई साहब। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल का घंटा दबाना ना भूलें।